उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो श्रमिक हैं उनको लाभ देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता श्रमिकों के परिवारों को धार्मिक व पर्यटन यात्रा कराना, जिसके लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी जो कि धार्मिक यात्रा करवाएगी और श्रमिकों को अलग अलग जगहों पर यात्रा करवाएगी, जिसकी शासन से स्वीकृति लेकर यात्रा को बहुत जल्द शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रम कल्याण परिषद ने निर्णय लिया है कि जो अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रेस में काम करने वाले श्रमिक हैं जो कि श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उन सभी श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को भी श्रम विभाग पंजीकरण करेगा। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया जिसमें बताया कि जो श्रम विभाग की कब्जे वाली जमीन है, जिसमें 37,000 ऐसे आवास हैं जिन पर कब्जा है, उसका निर्णय लेकर खाली करवाया जाए। उन्होंने कहा, जो श्रमिक के बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब उनको 25,000 रुपए सेमेस्टर दिया जाएगा जो कि पात्र होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने कहा, श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो श्रमिक है उनको लाभार्थ देना हमारी प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता श्रमिकों के परिवारों को धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराना, जिसके लिए हमने एक ट्रेन की आज निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में धार्मिक यात्रा को लेकर के ट्रेन के माध्यम से जारी करेंगे, अलग अलग स्थानों पर रुकेगी। उसके साथ में आवश्यकता पड़ रही है कि इसके एक्ट में बहुत सारे सुधार करने की, तो इसको बहुत जल्द ही जो विचाराधीन है शासन में उसको लंबित को पूर्ण कराया जाएगा और श्रमिकों के हित में लेकर के कल्याणकारी योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन कराया जाएगा। हमने ऐसे चीज़ों पर भी आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां अस्पताल में काम करने वाले हैं या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो श्रमिक हैं और जो ऐसे अपने प्रेस हैं या फिर आदि जो वाणिज्य कर्म में पंजीयन है, जिनका प्रतिष्ठान है, प्रेस है, जो अपनी जहां प्रिंटिंग है, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। जहां श्रमिक काम कर रहा है, जहां वाणिज्य कर्म में पंजीयन है, उनको श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टिकोण से चल रहे हैं और वहाँ श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को भी जुडिक्शन में लाने का निर्णय लिया गया। अभी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी को एक पत्राचार दिया था और उस पर हमने ये बात की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लगभग ये 37,000 ऐसे आवास हैं, उनका निर्णय लिया जाए और वो निर्णय करके उनको निस्तारण किया जाए। अगले 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। अगर कहीं है, कहीं अरबी भाषा में अगर नोटिस जारी हो रहा है, उस पर रोक लगवाई जाएगी और हिंदी भाषा में वो जाएगा। यह भी बताया कि श्रम विभाग जो मजदूर हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए श्रम विभाग आज, हाँ, ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जो अपने श्रमिक परिवार के बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में है या फिर टेक्निकल शिक्षा में है या अन्य डिप्लोमा में है, उनके लिए आज धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। उनको अब 25,000 रुपये पर सेमेस्टर दिया जाएगा, 15 से बढ़ा करके 25 किया गया। ये सभी जो उसके लाभार्थी और जो पात्र हैं, जो बच्चे जो श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को लाभ पाने वाले पात्र व्यक्ति हैं, उन सबको इनका लाभ दिया जाएगा। जो श्रमिक कार्ड बने उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, उसका एक समय निर्धारण था कि 30 अक्टूबर था, कितना था वो अमित मिश्रा जी, कि उसका निस्तारण 10 तक का जो लास्ट था उनका सबका पेमेंट कर दिया गया है और उसके आगे के जो पंजीयन है उस पर सरकार अब विचार करेगी।